बलदेव तोमर की घोषणाओं पर भारी पड़ी कांग्रेस की रैली। प्रदेश में बढ़ रहा समर्थन कांग्रेस को क्या मजबूती दे रहा है, इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं, इस बात की चर्चा आम है और कांग्रेस नेता उमड़ रही भीड़ से परेशान है। रैली के बाद चाहे शिलाई की करें या फिर हरौली में हुई नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की रैली या नगरोटा में हुई रघुवीर सिंह की रैली के बाद धर्मशाला की रैली ने तो सभी को कर दिया है। और इसी के साथ अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या भाजपा की घोषणाओं की जो झड़ी आजकल पूरे प्रदेश में चल रही है वो महंगाई की मार पर भारी पड़ रही है। ये बात इसलिए भी उठी है क्योंकि लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा के नेता जयराम ठाकुर जो प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने महंगाई को हार की वजह बताया था, मतलब वास्तविकता से सरकार वाकिफ थी। और अब कांग्रेस के पास प्रदेश में भाजपा की कमजोर कड़ी है, ऐसे में भाजपा महंगाई को लेकर चुप्पी साधे है और कोई नेता इसको लेकर पूछने पर भी जवाब नहीं दे रहे, मतलब चुनाव से पहले ही भाजपा इस मुद्दे पर जनता को जवाब नहीं दे पा रही है। सुधीर शर्मा ने बड़ी रैली करवाकर जहां अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, तो वही कांगड़ा के किले पर राजनीतिक कब्जा किसका है ये भी संदेश कांग्रेस को दे दिया है। वही विक्रमादित्य सिंह की रोजगार संघर्ष यात्रा का जनसैलाब और ही कहानी को बयां कर रहा है। मौजूदा सरकार में भाजपा के नेता बलदेव तोमर के क्षेत्र में हाल ही में घोषणाओं की झड़ी भाजपा ने लगाई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम की बारी जब आई तो यहां भाजपा की चढ़ाई मिल गई। भाजपा नेता इस कार्यक्रम के बाद एक चिंतन और मंथन में शिलाई विधानसभा में जाते नजर आ रहे हैं। विक्रमादित्य की रोजगार यात्रा के दौरान युवाओं का जोश देखने वाला था और हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, ढोल और नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ विधायक हर्षवर्धन चौहान और विधायक विक्रमादित्य सिंह का युवाओं के द्वारा स्वागत और इसी के साथ महंगाई के विरोध में महिलाएं कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आईं। इतना ही नहीं, अब स्थानीय लोग इसे तुलनात्मक तरीके से भी देखने लगे हैं और भाजपा कांग्रेस की रैलियों का आकलन होने लगा है, जिसमें अब भाजपा की रैलियां कांग्रेस की रैलियों को टक्कर नहीं दे पा रही हैं। ये बात अब आम हो गई है, जिसका सबसे मुख्य कारण ये है कि मुख्यमंत्री की रैलियों में स्थानीय विधायक को नेता लाभार्थियों को बुलाकर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की रैलियों में युवा और महिलाओं की भीड़ कुछ और ही कहानी कह रही है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस की रैलियों में लगातार निशाने पर हैं और उन्हें कहीं पर कंफ्यूज मुख्यमंत्री तो कहीं पर कठपुतली क्या कर दी अब कांग्रेस के नेता पुकारने लगे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि धरातल पर कांग्रेसी नेता अपनी परंपरा के मुताबिक लड़ाई धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आए, जिसे कांग्रेस के नेता शुभ मानते हैं। ऐसे में अब सोमवार को बड़ी बैठक हिमाचल प्रदेश को लेकर शिमला में होगी, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और स्थानीय नेता कहते हैं कि हमें चुनाव अपने तरीके से बिना दबाव के हाईकमान लड़ने देती है तो उसका लाभ अधिक होगा और अगर कुछ थोपा जाएगा तो हिमाचल की राजनीतिक पृष्ठभूमि में उसका नुकसान ही होता है। ऐसे में अब देखना होगा कि स्वाभाविक रूप से पार्टी लोकल नेताओं को आगे रखेगी या अपनी राजनीति थोपेगी।